Hey guys, Assalamualaikum, Namaste, this is Roshi Bhaji and welcome to my YouTube channel. So guys, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर एचओ हमने यहाँ तक किया था, ड्राफ्ट तक आई थिंक किया था. तो गाइज, आज के लेक्चर में एचओ हम लोग यहाँ पे जो शो जूम के बारे में डिस्कस करेंगे, रूलर्स है, ग्लैंड्स है, नेविगेशन पॉइंट है, जूम ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये गाइज, यहाँ पे मैं F1 प्रेस करके जो है कुछ टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, इंस्टॉलिंग पे जाता हूँ और गाइस यहाँ से चूज 32 बिट करके कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करता हूँ. देन गाइस हम इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से और गाइस इसको मैं यहाँ से कंट्रोल वी करता हूँ. तो बस टेक्स्ट हमने पेस्ट कर लिया है. ओके गाइस, अब गाइस यहाँ से मैं आता हूँ गाइस रूलर्स पे. सबसे पहले गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे रूलर्स के बारे में. गाइस रूलर्स क्या है? तो गाइस जैसे ही मैं रूलर्स पे क्लिक करूँगा तो गाइस यहाँ पे आपने देखा होगा, हमने जो हमारा पहला आई थिंक सेकेंड लेक्चर के अंदर गाइस हमने डिस्कस किया था कि गाइस रूलर्स को गाइस जो हम लोग पेज की सेटिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो गाइज आप यहाँ पे और गाइज यहाँ पे देखेंगे कि रूलर्स किस तरीके से शो हो रहा है यहाँ पे. जैसे गाइज मैं क्लिक करता हूँ रूलर्स पे तो गाइज यहाँ पे एक तो गाइज लेफ्ट साइड पे गाइज जो है एक टॉप पे गाइज एक जो रूलर क्रिएट किया है, जहाँ से जो हम लोग पेज की सेटिंग कर सकते हैं. गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट को गाइज हम लोग यहाँ से या यहाँ से मूव करवाने के लिए भी यूज़ करते हैं पेज की सेटिंग के लिए. तो आपने देखा यहाँ से किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. और गाइज अगर आप यहाँ पे अगर टॉप टॉप मार्जिन सेट करना है तो गाइज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं. तो गाइज ये होता है मार्जिन के लिए और इसको हम लोग एपिसोड के अंदर रूलर्स के थ्रू जो यूज़ करते हैं. रूलर्स जैसे गाइज इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो गाइज यहाँ से जो रूलर्स रूलर जो हाइड हो जाएगा. तो आपने देखा अब जो गाइज मैं यहाँ से इस पेज को गाइज जो नीचे नहीं ले आ सकता, टेक्स्ट को गाइज कुछ नीचे नहीं ले सकता, बट गाइज इंटर प्रेस करके मैं लेके आ सकता हूँ. तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो हो रहा है. मैं इसको गाइज जाता हूँ अगेन यहाँ पे और गाइज मैं अगेन आता हूँ यहाँ पे रूलर पे क्लिक करता हूँ. देन गाइज यहाँ से जो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ. तो गाइज आपने देखा टेक्स्ट जो गाइज नीचे आ चुका है. तो इस तरीके से जब हम लोग रूलर को यूज़ करते हुए गाइज हम लोग मार्जिन भी सेट कर सकते हैं. और गाइज आप अब बात है ग्रिड लाइन्स, ग्रिड लाइन्स कैसे हैं? तो गाइज जैसे मैंने ग्रिड लाइन्स पे क्लिक किया तो गाइज ये जो एक आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज जो कुछ लाइन शो हो रही है, जो गाइज हम लोग डायग्राम वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं या ज्योमेट्री वगैरह में जो गाइज डायग्राम वगैरह क्रिएट करते हैं उसके लिए गाइज हम लोग यूज़ करते हैं ग्रिड लाइन्स पेज. ठीक है, तो ये जो है कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, आपको जो क्लियरली पता चल रहा है कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे है. तो अगर आप इस तरीके से अगर आप यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, देन रिमूव इट ग्रिड लाइन्स. एंड गाइज आप आते हैं नेविगेशन पैन पे. नेविगेशन पेन पे गाइज जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो गाइज देखा आपने यहाँ पे गाइज लेफ्ट साइड में एक बार ओपन हो चुकी है, सर्च बार है जिसके अंदर गाइज यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दी हुई है. जैसे गाइज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो गाइज फर्स्ट पे आ चुका हूँ वर्ड इंस्टॉलिंग. तो गाइज अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ वर्ड इज़ द 32 बिट. तो यहाँ पे गाइज क्या कर रहा है, इसकी जो भी हेडिंग्स थी वो यहाँ पे शो कर रहा है नेविगेशन के अंदर. सिंपली हम लोग इसको नेव बार भी बोल सकते हैं. नेव बार के अंदर गाइज जितनी भी इसकी हेडिंग्स थी उन हेडिंग्स को यहाँ पे शो कर रहा है. ठीक है, ये पेज नंबर है, ये पेज नंबर 2 है 3 है. तो यहाँ से आप पेज पे जा सकते हैं, अगर सिंगल पेज पे आना चाहे तो इस तरीके से, यहाँ पे आप खुद जस्ट हेडिंग शो करवाना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं. ओके गाइज, तो यहाँ से आप प्रीवियस या नेक्स्ट पेज आना चाहे तो इस तरीके से प्रीवियस या नेक्स्ट पेज जा सकते हैं. देन गाइज मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको कर लेता हूँ नेविगेशन पेन को कर लेता हूँ रिमूव और इसमें अगेन टॉप पर आता हूँ, पेज के टॉप पर आता हूँ. देन गाइज यहाँ पे गाइज अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो है गाइज जूम का. तो गाइज जूम का ऑप्शन जैसे गाइज मैं इस पर क्लिक करता हूँ जूम पे तो गाइज यहाँ पे इतना शो हो रहा है कि गाइज आप कितना जो है जूम टू करना चाहती हैं, 100 करना चाहते हैं. तो गाइज अगर मैं 100 करना चाहता हूँ तो गाइज मैं यहाँ पे ओके करता हूँ. तो गाइज आपने देखा यहाँ पे जो है पेज की साइज़ जो गाइज वो 100% हो चुकी है. अगर गाइज मैं इसकी साइज़ गाइज अगर मैं 200 करना चाहूँ तो गाइज मैं अगेन यहाँ पे जाऊँगा या जो गाइज यहाँ से भी मैं इसकी कर सकता हूँ 200, इस तरीके से जितनी करना चाहूँ कर सकता हूँ. बट गाइज मैं डायरेक्टली जाता हूँ यहाँ पे जूम पे और गाइज यहाँ पे मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ 200 पे. देन गाइज क्लिकिंग ऑन ओके, तो गाइज इसकी जो 200 हो चुकी है. ठीक है, तो गाइज इसका जो जूम 200 हो चुका है. एंड गाइज यहाँ पे जो है पर्टिकुलर एच वो 100 ही, बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट है वो गाइज जो होता है वो गाइज 100% है. अगर गाइज आप यहाँ से 75 या 100 या 200 करना चाहें तो कर सकते हैं. अगर पेज की विड्थ अगर गाइज आप सेट करना चाहें तो इस तरीके से पेज की विड्थ भी सेट कर सकते हैं. टेक्स्ट की अगर गाइज आप विड्थ सेट करना चाहते हो जाए तो गाइज आप टेक्स्ट की विड्थ भी सेट कर सकते हैं. आप कितने पेज यूज़ करना चाहते हैं, 1 2 3 जितने भी यूज़ करना चाहें. मैं अगर कितने पे क्लिक किया, आई थिंक मैंने 3 गाइज कितने पेज हैं. ओके गाइज मैनी पेज पे गाइज यहाँ पे 8 पेज शो हो रहा है, मैं इसको ओके करता हूँ. तो गाइज ये 3 पेज शो हो रहा है क्योंकि मेरे पास टोटल थे ही 3 पेज, तो इस वजह से यहाँ पे
फोर का पेयर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ अगेन कंट्रोल जेड, तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे सेटिंग हो रही है। मैं अगेन जाता हूँ यहाँ पे गाइज जूम पे, देन गाइज मैं क्लिकिंग करता हूँ ऑन इस पे वन पेज पे, अगेन ओके करता हूँ। तो गाइज अब जो इस तरीके से शो हो रहा है मेरे पास, और मैं इसकी जो जूम है यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 200, देन ओके। तो गाइज जो 200 मैंने किया तो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो हम जो है बाई डिफॉल्ट गाइज 100 ही करते हैं, क्योंकि बाई डिफॉल्ट गाइज 100 ही होता, तो गाइज मैं यहाँ पे 100 कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो आप जूम का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर गाइज आप होल पेज की सेटिंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट की जो विड्थ है उसकी भी सेटिंग करना चाहे तो गाइज यहाँ से जो है परसेंटेज में आप लोग यहाँ से इस तरीके से भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से गाइज टेक्स्ट है या पेज की विड्थ है तो गाइज आप अगर आप यहाँ से करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज जैसे गाइज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो गाइज यहाँ से आप देखना यहाँ से गाइज जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। गाइज जैसे मैं यहाँ पे डिक्रीज करूँगा तो गाइज ये जो है यहाँ से आना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ये गाइज होता है पेज की विड्थ। तो पेज की विड्थ अगर आप इस तरीके से सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर गाइज मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो गाइज आप देख सकते हैं मैं जैसे गाइज मैं टेक्स्ट की साइज डिक्रीज कर रहा हूँ, तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज जो टेक्स्ट है हमारा ये वाला टेक्स्ट, इसकी गाइज जो साइज है वो कम हो रही है। तो इस तरीके से गाइज अगर आप टेक्स्ट की जो विड्थ है, जो टेक्स्ट की विड्थ है या पेज की जो विड्थ है, तो अगर उसको सेट करना चाहें तो इस तरीके से भी आप लोग सेट कर सकते हैं। देन गाइज आते हैं हम लोग वन पेज, टू पेज एंड थ्री पेज रिजॉर्ट। तो गाइज जैसे मैं वन पेज पे क्लिक करता हूँ तो गाइज यहाँ पे जो है जस्ट वन पेज पेज बाय पेज शो कर रहा है, वन पेज देन सेकेंड पेज, तो इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया हमारा तीन पेज। इसी तरीके से गाइज अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कि गाइज यहाँ पे मुझे वन पेज नहीं, यहाँ पे मुझे टू पेज शो, तो जस्ट क्लिकिंग ऑन टू पेज, तो इस तरीके से गाइज अब जो है टॉप में गाइज जो हमें टू पेज शो हो रहे हैं। गाइज अगर मैं यहाँ पे कर दूँ पेज विड्थ, तो पेज की गाइज जो विड्थ है गाइज वो जो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। मैं अगेन आता हूँ पेज विड्थ पे, तो यहाँ पे जो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अगेन आता हूँ वो गाइज यहाँ पे आपको आई थिंक एक लाइन शो हो रही है उसके सेंटर में, तो जस्ट आप यहाँ पे सेंटर कर दे ये जो है 100% हो जाएगा। तो गाइज ये था आज का हमारा लेक्चर, इसके अंदर गाइज आपने देखा कि हम लोग किस तरीके से पेज की विड्थ या टेक्स्ट की विड्थ है, तो पेज वन या टू पेज को हम लोग किस तरीके से सेट कर सकते हैं, जूम इन या जूम आउट किस तरीके से कर सकते हैं, गाइड लाइंस रूलर्स नेविगेशन पेन को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आज का लेक्चर हमारा इतना ही, आज का लेक्चर जो गाइज हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर गाइज कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। और गाइज अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर ऑसम वीडियोस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।